जनपद संभल के भेजोई में पुलिस ने समाजवादी पार्टी की युवा नेत्री मोनी कुमारी को उनके घर में नजरबंद किया, जहां आज देश भर में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की धूमधाम है। वहीं जनपद संभल के जिला मुख्यालय भेजोई पर आज समाजवादी पार्टी की युवा नेत्री मोनी कुमारी और उनके पति को आज पुलिस और जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस पर घर पर नजरबंद कर दिया। इस मौके पर सपा की युवा नेत्री मोनी कुमारी ने कहा कि ये बीजेपी तानाशाही सरकार गरीब मजदूरों किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। ये सरकार हम सभी को किसानों की बातों को मजदूरों की बातों को इस लोकतंत्र में रखने की आजादी भी नहीं देती है। वही उनके पति तकीर मोहम्मद ने कहा कि हमारे खून का एक एक कतरा किसानों के लिए है और हम सब हर वक्त किसानों के साथ हैं। मोनी कुमारी जी, आज गणतंत्र दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सभी 31 विधानसभा क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का जो कार्यक्रम था तहसील दिवस पर धरने का, आज हमें पुलिस ने सुबह से ही घरों में अरेस्ट कर रखा है। हम किसानों की आवाज़ उठाने नहीं दिया जा रहा है। हम किसान मजदूरों की ये सरकार आवाज़ दबाने का काम कर रही है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमें इस भारत देश में सभी को आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी हमें नहीं देना चाह रहे हैं। हमें और गरीब किसानों को ये आवाज़ हमारा हमेशा दबाने का ही काम करती है बीजेपी सरकार, ये तानाशाह सरकार है। तकीर जी, आज गणतंत्र दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 31 विधानसभा क्षेत्र चंदौसी के क्षेत्रवासियों को एवं प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी चंदौसी तहसील पर किसान रैली थी, हम लोगों को किसान रैली पे पहुंचना था, लेकिन ये तानाशाह सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुलिस को सुबह ही हमारे घर पे 6 बजे भेज दिया। लेकिन हमारा एक एक कतरा, एक एक खून का कतरा किसानों के नाम है और हम किसानों का संघर्ष करते रहेंगे। अगर हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम जाने को तैयार हैं। हम मुकदमे से नहीं डरते, लेकिन हम फिर भी जाने का प्रयास कर रहे हैं और कीमत तहसील पहुँचने का प्रयास करेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी में किसान मजदूर गरीबों की आवाज़ जो नेता उठा रहा है उसकी आवाज़ बंद करने का काम करती है ये तानाशाह सरकार। लेकिन ये तानाशाह सरकार अब चलने वाली नहीं है। जनता जागरूक हो गई है, युवा जागरूक हो गया है, किसान भाई हमारे जागरूक हो गए हैं। हमारे दिल्ली में किसान भाई देखो कितनी ठंड में कितने परेशान है, लेकिन ये तानाशाह सरकार उनकी जरा भी सुनने को तैयार नहीं है। जय हिंद, जय समाजवाद, भारत माता की जय।